वेलकम टू माय चैनल यू मी एंड पीपल्स। आप सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यारा सा नमस्कार। आज इस चैनल में हम आपके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं जैसे मेरे चैनल का नाम है यू मी और बेबी। तो हम क्यों ना आप ही के बारे में बात करें, आपके बारे में क्या बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी डेली लाइफ स्ट्रगल्स जो आप फेस करते हैं जब अपने बच्चे का आप केयर करते हैं, अपनी फैमिली की केयर करते हैं। एंड आई नो इट वेरी वेल, जब आप सबका ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं, ऐसा है ना? सही कहा मैंने? तो अब आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिर्फ आपके लिए कुछ सबसे अच्छे एनर्जी मंत्र जो आपको दिन भर क्या करेंगे, बूस्ट रखेंगे और आप अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से तरोताजा होकर कर सकेंगे। ठीक है, तो मेरा जो पहला मंत्र है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, वो ये है, ओके लेट इट बी। ओके लेट इट बी बोलने में अच्छा लग रहा है ना, लेट इट बी, छोड़ो, जाने दो। बोलने में कितना मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि सारी टेंशन चली गई। सोचिए अगर आप इस मंत्र को फॉलो करेंगे तो सच में मजा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, देखते हैं। ओके लेट इट बी का मतलब क्या हुआ बेसिकली? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि आप डेली लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, ठीक है, आप उसे फेस करते हैं, वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है, और आप क्या करते हैं, आप सारा चीज़ अपना टाइम से कर रहे हैं, वीक में 6 डेज। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, जो डेली का स्केड्यूल है हमारा बिगड़ जाता है, हमारा स्केड्यूल बिगड़ जाता है, हमारे बेबीज का स्केड्यूल बिगड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बेबी को डेली 5 टाइम्स फीड कराते हैं खाना, ऐसा सॉलिड आपने स्टार्ट कर रखा है और आप उसका जो सॉलिड का रूटीन है 5 टाइम्स अ डे। बट कभी कभी ऐसा होता है बेबी आपका डिनाई कर दे रहा है, मना कर रहा है, ठीक है, आपका सॉलिड वो 2 या 3 टाइम्स ले रहा है, ठीक है, ऐसा होता है, स्केड्यूल चेंज हुआ, स्केड्यूल बिगड़ गया। डेली तो नहीं बिगड़ता है, कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी आप बहुत टायर्ड फील करते हो कि नहीं करते हो, और लेट से उठे, जल्दी उठे, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, घर में रहना है, सेफ रहना है, ठीक है, तो आप घर में रह रहे हैं, ठीक है, स्केड्यूल बिगड़ गया, आप नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे थे, आपको उठने में लेट हो गई, देर हो गई, बेबी के स्केड्यूल बिगड़ा, आपका बिगड़ा। तो हम क्या करते हैं, सब कुछ एक साथ करने की कोशिश में अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, करते हैं, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। हम सोचते ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करें, फिर क्या होता है, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, क्योंकि आपका स्केड्यूल चेंज हुआ, आपकी बेबी का चेंज हुआ, कुछ चीज़ें रह जाती। फिर हम क्या करती हैं, हम वेमेंस की क्या आदत होती, चाहे आप वर्किंग वेमेन तो सारी हैं, चाहे वो घर का काम करी, चाहे बाहर का काम करी, चाहे दोनों एक साथ हैंडल करी, है ना, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को ब्लेम करने लगते, मुझसे ये नहीं हुआ, मैं कैसे करूँगी, मैं अपने आप को ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने लगते हैं। वी आर नॉट प्रेशर कुकर यार, डोंट प्रेशराइज सो मच, लेट इट बी। कभी कभी होता है, सबके साथ होता है, यू आर नॉट द ओनली वन, आप अकेले नहीं हो कि आप ही के साथ ये ऐसा हो रहा है, चेंज हो गया स्केड्यूल में, ठीक है, लेट इट बी, कल से फिर फ्रेश स्टार्ट करते हैं। उस चीज़ को आप अपने माइंड पर क्या करना है, प्रेशर नहीं लेना है आपको। कभी कभी स्केड्यूल बिगड़ गया, हमारा मन नहीं होता है खाने का, कई बार होता है हमारा मन नहीं होता वो रूटीन फॉलो करने का, तो वैसे हमारे बच्चे के साथ भी तो हो सकता है, तो आपको उस बात के लिए टेंशन नहीं लेना है। कभी कभी ऐसा होता है तो होने दो, लेट इट बी, छोड़ो, जाने दो, कल से फिर स्टार्ट करते हैं, बी पॉजिटिव, द नेक्स्ट डे इज वेटिंग फॉर अस, ठीक है। सो पहला मंत्र क्या हुआ, ओके लेट इट बी, होता है, चलता है, सबके साथ होता है कभी कभी, ठीक है। तो ना अब हम आते हैं जो अपना सेकेंड मंत्र है, सेकेंड मंत्र बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि हम खाली वीमेंस के लिए, लेडीज के लिए, ये जो मंत्र है आपका, ये नहीं है कि सिर्फ मदर्स के लिए, ठीक है, सभी के लिए, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, मी टाइम। अभी मी टाइम क्या होता है, आप यही सोच रहे होंगे कि अभी मी टाइम क्या होता है। मी टाइम का मतलब ये हुआ, कैप्स लॉक ऑन करके कैपिटल में M E N D S, कंट्रोल प्लस बी को भी
प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस बी मतलब बोल्ड में कैप्स लॉक एम ई मी टाइम, जो कि बहुत बहुत ज्यादा एसेंशियल है हम सभी के लिए, खासकर जो विमेन्स हैं, जो छोटे बेबीज का ध्यान रख रहे हैं, उसी के साथ अपना वर्क भी हैंडल कर रहे हैं। अगर आप वर्क किसी कंपनीज में, किसी स्कूल में, कहीं पर भी आप जॉब करें तो आप वो भी हैंडल कर रहे हैं, फिर छोटे बेबी को भी हैंडल कर रहे हैं, घर का भी काम हैंडल कर रहे हैं, तो इन सभी के बीच आपको मी टाइम ज़रूर चाहिए। क्यों चाहिए, मैं आपको एक इक्वेशन के थ्रू समझाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मेरी जो इक्वेशन है ये है, मी टाइम इम्प्लाइज माई हैप्पीनेस, ठीक है, मी टाइम इम्प्लाइज माई हैप्पीनेस, एंड माई हैप्पीनेस इम्प्लाइज फैमिली हैप्पीनेस, द होल फैमिली की जो हैप्पीनेस है वो आप पर ही तो डिपेंड करती है। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो क्या आप किसी को खुश रख पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता। तो इसीलिए अगर आप खुश हैं तो आप सबको खुश रख पाएंगे, एवरीथिंग विल गो स्मूथली विदाउट एनी मैशअप, ठीक है। तो मी टाइम आप खुद को दीजिए, और इस मी टाइम में आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके जो भी हॉबीज हो, और लाइक जैसे कि सिंगिंग, किसी बहुत से लोगों को गाना गाना पसंद होता है, आप सिंगिंग कर सकते हैं, बहुत से लोगों को लिटरेचर में इंटरेस्ट होता है, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हाँ फ्रेंड से चैटिंग कर सकते हैं, किसी फ्रेंड से बहुत दिन से बात नहीं किया है, आपका मन कर रहा है बात करने का। और जो मेरा मी टाइम फेवरेट है, म्यूजिक सुनना, कान में ईयरफोन लगा लीजिए, आराम से म्यूजिक सुनते जाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मी टाइम समझ में आ रहा है आपको कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आप सभी के लिए। आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको मी टाइम में यही चीज़ करना, मी टाइम मतलब खुद को टाइम दो, कुछ भी करिए जो आपको पसंद हो, जिसमें आप रिलैक्स फील करते हैं, कुछ भी मत करो, सो जाओ, ठीक है, आपका मी टाइम है, सो जाइए। और ये मी टाइम आपका 24 आवर्स होते हैं, एटलीस्ट 1 to 2 hours आप खुद के लिए मी टाइम ज़रूर निकालिए, तभी आप सारी चीज़ों को आराम से हैंडल कर पाएंगे, और आपकी जो एनर्जी है ना, मैं सही बता रही हूँ, 2 to 3 times इंक्रीज हो जाएगी, और बहुत आपको अच्छा लगेगा, अंदर से अच्छा लगेगा, सच में बहुत अच्छा लगेगा। तो आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप खुद को मी टाइम देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए करिए, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, आपको समझ में आया मेरा सेकेंड मंत्र, ठीक है। अब हम अपने थर्ड मंत्र पे मूव करते हैं, वो क्या है, वो हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ, आप सोच रहे हो मेडिटेशन, हाँ ठीक है पता है मुझे, मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप ऐसे करके बैठ गए, ठीक है, कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, ठीक है, और गैस पे क्या चढ़ा हुआ है, दाल चढ़ा हुआ है, चने की दाल, उसको टाइम लगेगा बनने। अब मैं वही सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि कितनी सीटी आई, 1 सीटी आई, 2 सीटी आई, ठीक है तब तक कर लेती हूँ, कहीं बेबी रो तो नहीं रहा, कहीं ये तो नहीं हो रहा, दैट इज़ नॉट अ मेडिटेशन, ठीक है, हंसने की बात नहीं है, दैट इज रियली नॉट अ मेडिटेशन, और दैट विल नॉट गोना हेल्प यू। हेल्प क्या करेगा आपको मेडिटेशन के लिए, आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सुबह 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, दिन में, शाम को, कभी भी आपको जब भी लगता है तो आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम है तो आप मेडिटेट करो। आप थोड़े थोड़े टाइम से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि आप 5 to 10 minutes मेडिटेशन करिए, किसी भी टाइम कर लिए, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, सोने से पहले, जो टाइम आपको कंफर्टेबल है उस टाइम करो आप। और हाँ, जैसे जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, कुकर और ये बेबी आपका रो रहा है, या कुछ भी चीज़ें, उन सबको साइड में करना है। अगर आप, जैसे कि आप न्यूक्लियर फैमिली में, आपके हस्बैंड है, तो आप अपने बेबी को उतने टाइम के लिए आप अपने हस्बैंड को बोलो संभालने को, और अगर आप, ठीक है, आप फैमिली के साथ रह रहे हो, सबके साथ रह रहे हो, इन लॉज भी है, तो आप उनको हैंड ओवर कर सकते हो अपने बेबी को उतनी देर के लिए, 5 to 10 minutes के लिए। और आपको मेडिटेशन करना है कैसे, आंखें बंद करने के बाद ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है, आपको सिर्फ एकदम काम होना है, एकदम शांत रहना है, कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ आंखें बंद करके मेडिटेट करना है, सिर्फ 5 to 10 minutes। और आप खुद देखेंगे कि अगर आप, कभी कभी होता है वर्क प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
जिनकी वजह से हम बहुत इरिटेटेड से रहने लगते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट फील करने लगते हैं। होता है यार, सबके साथ होता है। तो अगर आप मेडिटेट करेंगे ना, तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, एक अंदर से जो कहते हैं ना खुशी मिलेगी, और अंदर से आपको सब फील होगा कि नहीं, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, यू कैन डू एवरीथिंग विद अ बैलेंस इन योर लाइफ। तो मेडिटेशन, मैं कह रही हूँ, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज लाएगा, बहुत आप अच्छा फील करेंगे। इनर पीस जो कहते हैं ना, इनर सेरेनिटी मिलने वाली चीज़ होती है, वो मेडिटेशन से ही मिलेगी। तो हम बोलने में अच्छा लग रहा है, मुझे पता है, तो मेरे साथ क्यों ना हम 10 सेकेंड्स के लिए मेडिटेशन ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप ऐसे आंखें बंद करिए, और मैं 10 तक काउंट कर रही हूँ। कुछ नहीं सोचना है, एकदम शांत रहना है, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, एकदम शांत। आप किसी ईश्वर को याद कर सकते हैं, जिसको आप मानते हैं। ओपन योर आइज, कैसा लगा? अच्छा लगा? अब आप डेली करेंगे, आई नो, आप मुझसे प्रमिस करिए कि आप डेली करेंगे, एंड मुझे लगता है कि आप जब डेली करेंगे तो आपको सच में बहुत अच्छा होगा। सिर्फ मेरे कहने पे मत करिए, आप करके देखिए, खुद के लिए करके देखिए। तो आपको मेरे 3 मंत्रास कैसे लगे? सबसे पहला मंत्रा, ओके लेट इट बी, ठीक है जाने दो, इट्स ओके। अपने दिमाग को प्रेशर कुकर नहीं बनाना है, ठीक है, खुश रहना है, काम एंड कंपोज, सब अच्छा हो जाएगा, नेक्स्ट डे से स्टार्ट करना है। और दूसरा मंत्र मेरा क्या था, आई थिंक वो भी आपको पसंद आया होगा, मी टाइम सबसे जरूरी है, एटलीस्ट 1 to 2 आवर का, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं मांग रही हूँ आपसे। और जो थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, मेडिटेट, डू मेडिटेशन रेगुलरली। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक कस्तूरी शर्मा, मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ। थैंक यू सो मच।